Oh, well, everybody, this is and welcome back to another video. In this video, I am going to tell you how to get rid of pimples and acne. I will give you 10 steps so that your acne and pimples will be completely finished. These 10 steps you have to follow, otherwise you won't get this video. But before that, you will understand that you have a pimple on your face. Look. जब तुम्हारी शक्ल पे मतलब अंदर ग्लैंड होती है, कुछ ऑयल ग्लैंड होती है, वो जब एक्सेस में ऑयल प्रोड्यूस करती है तुम्हारी स्किन के ऊपर, जिसको हम सीबम बोलते हैं उस ऑयल को, तो वो सीबम तुम्हारे शक्ल पे जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं, डर्ट होते हैं, उसका मिलके तुम्हारे जो शक्ल पे पोर होते छोटे छोटे उनको ब्लॉक कर देती है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे पिम्पल या एक्ने प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल साइंस है एक्ने पिम्पल के पीछे, समझ आ चुकी होगी। तो अब बात करते हैं उन 10 टिप्स की जिससे तुम्हारी एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। सो लास्ट टाइम जो मैं तुम्हें देना चाहूँगा ना, वो यही है कि आज दिन में दो बार तुम आल बना लो, कहें कि फेस वॉश करने की, स्पेशली जब तुम सुबह उठो और रात को सोने से पहले हमेशा अपने चेहरे पे फेस वॉश करके सोना, जिससे तुम्हारे जो ऑयल तुम्हारी जो स्किन पे होगा वो निकल जाएगा, और साथ साथ तुम्हारी जो शक्ल पे डर्ट होगी ना वो भी निकल जाएगी। तो हमेशा ये आदत डालो, अब दिन में दो बार अपने शक्ल को धोने की। So this was the first step, let's move to our second step. The second step which I wanna give you to get rid of for pimples and acne is drink a lot of water. अपनी body को hydrated रखना बहुत जरूरी है। क्यों? देखो यार, जब तुम पानी पीते हो तुम्हारी body से तो toxins flush out हो जाते हैं, and second तुम्हारी body का जो temperature होता है वो कम हो जाता है, तुम्हारी body से heat कम हो जाती है। ठीक है, जो कि तुम्हारी पिंपल अच्छा है, मतलब पिंपल्स तो कम हो जाते हैं, बिलीव मी पिंपल एंड एक्ने काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जब तुम सुबह उठो मतलब उठने के जब बाद एक आदत बना लो पानी पीने की, 500 ml ऑफ वाटर इज अ गुड अमाउंट, जिससे तुम्हारा पेट भी साफ रहेगा और इन कलर पिम्पल और एक्ने की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। यार कैसे बोल रहा हूँ मैं, तो तुम्हें समझ आ ही चुका होगा, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर इज फॉर द सेकंड टिप। लेफ्ट थर्ड टिप बात कर लेते हैं अपनी थर्ड टिप की। और थर्ड टिप यार कोई टिप नहीं है, मिस्टेक है जो कि तुम में से काफ़ी लोग करते होंगे, मैं भी करता था, जो कि अपनी बाबे अपनी शक्ल को ऐसे छूते रहना है बिना किसी मतलब के, अपनी शक्ल को जब छूते रहना है यार बहुत गलत आदत है तुम्हारी स्किन के लिए। क्यों? देखो, जब भी तुम अपनी शक्ल को छूते हो ना, तुम्हारी हाथे गंदे बैक्टीरिया तुम्हारी शक्ल पर ले जाते हैं, जिसके कारण तुम्हें पिंपल और एक्ने की होने की प्रॉब्लम भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये आदत बंद करो अपनी शक्ल पर बार बार अपने हाथों को लगाना, मैं भी कर चुका, तुम भी कर लो, ठीक है ना। तो लेट्स मूव टू फोर्थ पॉइंट, बात कर लेते हैं फोर्थ टिप के बारे में। फोर्थ टिप बेसिकली यार तुम्हारा है कि अवॉइड हीट, हीट इन एनी फॉर्म तुम्हारी शक्ल खराब होती है। ठीक है, चाहे वो गर्म पानी से अपनी शक्ल धोना या फिर सन में या धूप में ज़्यादा देर घूमना, अगर गर्म पानी से अपनी शक्ल धो रहे हो तो यार उसको टेपिड वाटर या फिर कोल्ड वाटर से अपनी शक्ल देना धोना शुरू करो, और अगर तुम सन में ज़्यादा देर घूमते यानी धूप में ज़्यादा देर घूमने की तुम्हारी आदतें, यानी तुम क्रिकेट या फुटबॉल कोई भी फील्ड वर्क करते हो, तो अपनी शक्ल पे सनस्क्रीन लगाना शुरू करो। ठीक है, ये याद रखो। लेट्स मूव टू फिफ्थ पॉइंट। अब जो फिफ्थ पॉइंट में बोलने वाला हूँ, ये फिर से एक मिस्टेक है जो कि तुम में से काफी लोग करते होंगे। पता है क्या, तुम में से काफी लोग यार जब पिंपल से गुस्सा आ जाता है कि यार साला खत्म ही नहीं हो रहा, तो पता क्या करते हो, उसको फोड़ देते हो, उससे पस निकल जाते हैं, और वो पस है ना तुम्हारी पूरी स्किन पे फैल जाती है। जब जहाँ तुम्हारी एक जगह पिंपल हो रहा है ना, अब वो चार जगह होगा। तो अपने पिंपल्स को फोड़ना बंद करो, इस टिप का यही मतलब था। लेट्स मूव टू सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट है एक्सरसाइज रेगुलरली। अब एक्सरसाइज करने का स्किन से क्या रिलेटेड, देखो जब भी तुम एक्सरसाइज करते हो, चाहे वो किसी फॉर्म की हो, चाहे वो कार्डियो हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो, जिससे भी तुम्हारा पसीना निकलता हो, तो वो पसीना तुम्हारी जो डर्ट है तुम्हारी शक्ल के ऊपर वो भी निकाल देता है। और एक्सरसाइज करने के बाद ये आदत डालो कि अपनी शक्ल धोने के पूरी बॉडी नहा लो एक बार एक्सरसाइज करने के बाद, ताकि जो डर्ट निकले ना वो जड़ से एक बार पूरी बॉडी से फ्लश आउट हो जाए। ठीक है, तो एक्सरसाइज रेगुलरली एंड एक्सरसाइज करने के बाद जरूर से या तो नहाया करो या फिर अपनी शक्ल को एक बार फेस वॉश से धो लिया करो। लेट्स मूव टू आवर सेवंथ पॉइंट। ये डेली टिप नहीं है, ये वीकली या मंथली टिप है। ठीक है, जो कि अपनी फैब्रिक से धोना, एंड मैंने से फैब्रिक एंड नॉट मीन टू से क्लोथ्स, अपने क्लोथ्स को धोया करो, वो तो धोने की अच्छी आदत है, धोया करो, लेकिन साथ साथ अपनी बैड चीज तक कि क्लोथ कवर इन सबको भी धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार ये तुम्हारी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, रेगुलरली कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो जो तुम्हारी फैब्रिक्स पे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो फिर से तुम्हारी स्किन पे चले जाते हैं, और फिर से वो एक्ने और पिंपल होने की प्रॉब्लिटी बढ़ा देते हैं। तो हमेशा अपने फैब्रिक्स क्लीन रखो, फैब्रिक से मतलब मेरा कपड़े, अपने बेडशीट के कवर्स, ठीक है, या फिर पिलो कवर्स, तो इन सबको बार बार धोना चाहिए।
मैं यूजुअली 14 दिन में एक बार धोता हूँ, तुम 7 दिन में एक बार धो सकते हो, महीने में भी एक बार धो सकते हो ऑन योर कन्वीनियंस। लेट्स मूव टू आवर 8th टिप। 8th, 9th और 10th ये तीनों टिप्स होने वाली हैं तुम्हारी डाइट से रिलेटेड होने वाली है, और बिलीव मी एक अच्छी डाइट लेने से तुम्हारी स्किन की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर 8th टिप। अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड। ये दो तरीके के फूड या खान पान अपनी बॉडी अपनी डाइट से निकाल दो। क्यों? ऑयली फूड या तुम्हारी है ना बॉडी में ऑयल बढ़ा देगा, और स्पाइसी फूड या तुम्हारी बॉडी में हीट बढ़ा देगी, और दोनों चीज़ें तुम्हारी स्किन बोल रहा हूँ पिंपल और एक्ने को है ना बढ़ावा देती है। तो अवॉइड ऑयली एंड स्पाइसी फूड। सो दिस वॉज द 8th टिप। लेफ्ट मूव टू 9th टिप जो कि तुम्हें खाने के बारे में है, जो कि तुम्हें खाना ही चाहिए, वो उन फूड्स को कवर करके जो कि तुम्हें खाने ही चाहिए। ईट हाई फाइबर फूड्स। अब हाई फाइबर फूड जैसे कि वीट हो गया, मतलब प्रोटीन में मिल जाएगा तुम्हें, ब्राउन राइस हो गए, ओट्स हो गया, वेजीज हो गई, फ्रूट्स हो गए। तो यार ये जो चीज़ें होती हैं यार अपने है ना डाइट में ऐड करो, घर का खाना खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। बस ये थी 9th टिप। लेट्स मूव टू 10th टिप। 10th और आखिरी टिप के बारे में जो कि तुम्हारी डाइट से रिलेटेड फिर से। ईट दोज फूड्स विच आर हाई इन वाटर कंटेंट, लाइक क्यूकम्बर, वाटरमेलन, एप्पल, ऑरेंजेस या फिर कोई और फ्रूट। तो ये जो फूड्स मैंने अभी बताया इनको अपनी डाइट में ना ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या अच्छी वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, @ब्लूमेंस यहाँ पे अकाउंट आ रहा होगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। बाय।